कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये लोग कोई भी जो एग्जाम्स हैं उनको ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। और लगातार जो पेपर्स हैं, पेपर्स मतलब लीक होते जा रहे हैं। प्रदेश में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के विरुद्ध आम आदमी पार्टी स्थानीय युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस सरकार में रसूख वाले लोग अधिकारियों व नेताओं की सांठगांठ से हर दूसरा पेपर हो रहा है लीक। आम आदमी पार्टी अजमेर संभाग द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेत्री कीर्ति पाठक ने कहा कि स्थानीय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए प्रदेश सरकार उनकी सालों की तैयारी पर पानी फेर रही है। कांग्रेस सरकार में अपना रसूख रखने वाले लोग अधिकारियों व नेताओं की साठगांठ के चलते आज हर दूसरा पेपर लीक हो रहा है। अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करके तैयारी करते हैं, उनके अभिभावक कोचिंग सेंटरों की मोटी फीस का खर्च उठाते हैं, मगर जब परीक्षा का समय आता है तो ऐन वक्त पर पेपर लीक करके मलाई मार ली जाती है। जब जिम्मेदार प्रशासन को कुछ समझ नहीं आता तो परीक्षा ही रद्द करवा दी जाती है। कुल मिलाकर वर्तमान सरकार को आज की युवा पीढ़ी की इस समस्या से कतई सरोकार नहीं दिखता। कीर्ति पाठक ने यह भी कहा कि यदि सरकार को कुछ लेना देना है तो इनके वोट से मतलब है, बाकी इनके भविष्य की चिंता नहीं। परीक्षा परिणामों को मनचाहे ढंग से संशोधित करना, चंद पैसों की लालच में पेपर लीक करवाना और फिर आरोपियों को लगातार संरक्षण व शह देना इस सरकार के लिए एक आम बात है। जनवरी 2020 में आयोजित लाइब्रेरियन परीक्षा, 2021 में रीट सहायक निरीक्षक परीक्षा, वेटरनरी डॉक्टर भर्ती, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर भर्ती, मेडिकल सुविधा भर्ती, स्पेशल टीचर पटवारी परीक्षा और फरवरी में आयोजित रीट लेवल 2 की परीक्षा में जो पेपर लीक होने की सूचना आई वो तो एक बानगी मात्र है। ऐसे न जाने कितने ही पेपर लीक हो जाते हैं, न जाने कितने घोटाले होते हैं जिसके कारण होनहार अभ्यर्थी वंचित रह जाते हैं और सरकारी पदों पर ऐसे अयोग्य और नाकारा लोगों को चयनित कर लिया जाता है जो रुपयों की थैली हाथ में रखते हैं। रीट और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के समय निर्लज्जता से खुलेआम पैसों की मांग की गई, जिस पर भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं बिठाई गई। कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये लोग कोई भी जो एग्जाम्स हैं उनको ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। और लगातार जो पेपर्स हैं, पेपर्स मतलब लीक होते जा रहे हैं। जैसे अभी अपन ने रीट पेपर देखा, उसके बाद अभी जो कांस्टेबल वो हुआ, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, उसका भी अभी परसों पेपर लीक हुआ। और जैसा कि माना जा रहा है, एक ही नहीं तीन पेपर्स लीक हुए हैं इसमें। अब इतनी कमर तोड़ महंगाई का समय है, जो बेरोजगार युवा हैं वो लोग किसी भी प्रकार से पैसे जमा करके, उनके घर वाले पैसे इकट्ठा करके, मतलब ये 4,000 करोड़ रुपये हैं जो इनको रीट परीक्षा के अंदर युवाओं ने दिए हैं सरकार को, उनका वो सारा 2 साल की मेहनत और वो पैसे सारे जो हैं उनके बर्बाद हुए। इस तरीके से सरकार जो है, उनके कुछ अफसर हैं और कुछ नेता हैं, वो मलाई तो लेते जा रहे हैं लेकिन जो जनता है उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है इस यूथ के साथ खड़ी हुई है, हम लोग उनके साथ पूरी तरह से हैं। अगर आप देखेंगे तो रीट भर्ती परीक्षा है, JEM भर्ती है, लाइब्रेरियन भर्ती है, पटवारी भर्ती है, SI भर्ती है और RAS 2018 की भर्ती और कांस्टेबल भर्ती है। सबके अंदर ऐसा ही कुछ हुआ है कि जो प्रदेश का युवा है, जो बेरोजगार है, वो ठगा गया है। तो इसी का विरोध है और आज इसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि कांग्रेस सरकार की ये जो बदनीयति है उसको उजागर किया जाए और युवा के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं कर सकती है तो सरकार अपना पद छोड़े, अपनी सत्ता छोड़े। क्योंकि जो सरकार बेरोजगारों की नहीं हुई तो वो सरकार किसी की क्या हो सकती है? देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य जब दांव पर है और आप लगातार आप कुछ भी कानून व्यवस्था की स्थिति कायम ही नहीं रख पा रहे। इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी एक फर्म को दे दिया था एग्जाम कंडक्ट कराने का, उस फर्म ने सारे सरकारी जो है उन लोगों को तो एक तरफ कर दिया सरकारी नौकरों को, और उन्होंने अपने मन से लोगों को लगाया और काम करवाया है। और उसी के क्रम के अंदर जो सारे लीक्स हो रहे हैं, बस वो मलाई लिए जा रहे हैं लोग, और अगर उनको कुछ भी करते नहीं बनता है तो वो वापस परीक्षा की घोषणा कर देते हैं। सरकारी पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, सरकारी तंत्र सब चीज़ों का दुरुपयोग होता है, उसी का दुरुपयोग।